नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। भीनमाल के गैराज में खड़ी एक बस में करंट लगने से एक की मौत। बावतरा निवासी दौलत सिंह ने एसपी से लगाई गुहार, पुत्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग। हथकड़ी लगाने का विरोध करते हुए भीनमाल में कैदी ने किया हंगामा। मंगलवा पटवारी नहीं करते काम, जन सुनवाई में प्रार्थी ने की शिकायत। जिला स्तरीय संपर्क समाधान शिविर हुआ संपन्न। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा शिविर भीनमाल के डूंगरवा गांव में आयोजित। एएसओसी ने किया स्काउट एवं गाइड शिविर जालोर का निरीक्षण। थलवाड़ की पूजा कुमारी दसवीं में अपने विद्यालय में रही प्रथम। भीनमाल पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने चलाया रात्रिकालीन सफाई अभियान। बाबा जी मंदिर जालोर की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई। थलवाड़ सायला में ठाकुर जी मंदिर का वार्षिकोत्सव। समाचार विस्तार से। भीनमाल में एक गैराज में खड़ी बस में करंट लगने से एक की मौत। भीनमाल संवाददाता अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार आज दोपहर 2 बजे रामसिंह रोड स्थित मेघवाल समाज छात्रावास के पास जगदम्बा मोटर पार्ट्स के गैराज में खड़ी चामुंडा ट्रेवल्स की बस के करंट लगने से बस कंडक्टर खांडा देवल निवासी दूदाराम देवासी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मौके पर बोरटा सरपंच आसुराम देवासी सहित देवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर शव लेने से इनकार किया। दोनों पक्षों में आपसी सहमति के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। बावतरा निवासी दौलत सिंह ने एसपी से लगाई गुहार, पुत्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग। बावतरा निवासी दौलत सिंह गांव के लोगों के साथ बुधवार 7 जून को पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से मिलकर लिखित रिपोर्ट के बावजूद कोतवाली पुलिस की ओर से हत्या का मामला दर्ज नहीं करने की शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दौलत सिंह ने बताया कि 3 जून की रात हुई अपने पुत्र इंद्र सिंह, जो प्राइवेट ट्रेवल्स में नौकरी करता था, उसकी मौत के मामले में हत्या की आशंका को लेकर मंगलवार को कोतवाली थाने में निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर दी गई रिपोर्ट के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। दौलत सिंह के अनुसार 3 जून मध्य रात्रि सायला पुलिस थाने से आए फोन पर बताया कि उसके पुत्र इंद्र सिंह का शव जालोर अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है। परिजनों के वहां पहुंचने पर शव के पास चालक पीर सिंह, बस मालिक पिंटू खा, चुन्नी लाल व मुने खा मिले, जिन्होंने बताया कि इंद्र सिंह की मौत शराब पीने से हुई तथा शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। उन लोगों की बातों पर विश्वास करके शव को गांव लेकर आ गए, लेकिन वहां लाकर जब शव को देखा तो उस पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या का शक हुआ, किंतु घर में शोकाकुल माहौल होने से अंतिम संस्कार कर दिया गया। दौलत सिंह ने बताया कि बाद में उन्हें मालूम चला कि चुन्नीलाल व मुने खा ने इंद्र सिंह के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि सुमेरपुर से 3 बजे रवाना हुई बस 6 बजे जालोर पहुंच जाती है, तो अज्ञात बताकर इंद्र सिंह की लाश को 11:15 बजे मोर्चरी में जमा करवाई, जबकि इंद्र सिंह कई सालों से इनके साथ था। उन्होंने इस पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। हथकड़ी लगाने का विरोध करते हुए भीनमाल में कैदी ने किया हंगामा। भीनमाल संवाददाता चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर से पेशी पर आया हार्डकोर अपराधी को हथकड़ी लगाने पर कैदी व उसके परिजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोधपुर जेल में कैदी पंडिया गैंग का गोपाराम दर्जी को गुरुवार न्यायालय में पेशी पर भीनमाल लाया गया। पेशी पूर्व कैदी गोपाराम ने हथकड़ी लगाने का विरोध किया, जिस पर उसके परिजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देखकर परिसर में भीड़ जुट गई। पुलिस ने परिजनों को समझाया कि हार्डकोर अपराधी को हथकड़ी पहनाना जरूरी है। एक बार तो परिजन समझ गए, किंतु पेशी के बाद अपराधी को जेल ले जाने पर पीछे से जेल पहुंच वहां हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस व जेल प्रशासन ने उन्हें समझाइश कर घर भेजा। मंगलवा पटवारी नहीं करते काम, जन सुनवाई में प्रार्थी ने की शिकायत।
महीने के प्रथम गुरुवार को होने वाली जन सुनवाई में आज सायला के पुनावास निवासी दलपत सिंह चारण ने शिकायत करते हुए बताया कि जमाबंदी हेतु महीने भर मेंगलवा पटवारी नैन सिंह दहिया के पास चक्कर काट रहा हूं, किंतु पटवारी काम करने के बजाय परेशान करने के साथ चक्कर कटवाए जा रहा है। ज्यादा कुछ कहने पर धमकाते हुए कहता है कि कुछ भी कर लो मेरे से काम नहीं होगा। अंततः परेशान होकर प्रार्थी दलपत सिंह चारण जन सुनवाई में उपस्थित होकर अधिकारियों से शिकायत कर समस्या हल करवाने का आग्रह किया। जिला स्तरीय संपर्क समाधान शिविर हुआ संपन्न। जिला मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केंद्र में गुरुवार मध्याह्न जिला स्तरीय राजस्थान संपर्क समाधान शिविर जिला प्रमुख बन्ने सिंह गोयल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने समिति में दर्ज 15 परिवादियों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वह समीक्षा के दौरान 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि 60 दिवस की अवधि से अधिक लंबित प्रकरणों तथा निस्तारण मामलों का भौतिक सत्यापन किया जाए। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, मनोनीत सदस्य नरपत सिंह अरणाय, भूबाराम महिपाल सिंह सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एनके माथुर एवं जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कमलजीत सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा शिविर भीनमाल के डूंगरवा ग्राम में आयोजित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा शिविर का आयोजन आज भीनमाल के डूंगरवा गांव में आयोजित हुआ। शिविर में प्रधान दुकाराम राजपुरोहित द्वारा 117 लाभार्थियों को पट्टा वितरण कर लाभान्वित किया। प्रधान ने पट्टों के लाभ व इसकी उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर शिविर में पंचायत प्रसार अधिकारी पोकाराम सोलंकी, ग्राम सेवक नवल सिंह राठौड़, दरगाराम चौधरी उपस्थित थे। एएसओसी ने किया स्काउट एवं गाइड शिविर जालोर का निरीक्षण। जालोर के राजेंद्र नगर माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जालोर द्वारा आयोजित किया जा रहा ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आज गुरुवार एएसओसी बाबू सिंह राजपुरोहित द्वारा निरीक्षण किया गया। संचालित विभिन्न विषय कक्षाओं का निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। तत्पश्चात प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित विभिन्न सामग्री का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर एएसओसी ने कहा कि अपने हुनर व प्रतिभाओं में निखार के लिए कला व कौशल की नितांत आवश्यकता है। सीओ निशु कंवर ने समय की उपयोगिता को सार्थक सिद्ध करने के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में सहायक राज्य संगठन आयुक्त बाबू सिंह राजपुरोहित, मोटाराम राव, मेंदो हुसैन, श्रवण काबावत के साथ सभी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। हलवाड़ की पूजा कुमारी 10वीं में अपने विद्यालय में रही प्रथम। साला संवाददाता पूराराम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा पूजा कुमारी पुत्री बगाराम प्रजापत ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75.17% अंक लाकर अपने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ रही। इससे परिवार सहित पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी। रिजल्ट आते ही छात्रा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं छात्रा के पिता ने अपनी पुत्री को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। बधाई देने वालों में कुंवर दिलावर सिंह चंपावत, गोपाराम, पूराराम मेघवाल, केसाराम पुंशल, महेंद्र कुमार उपस्थित थे। भीनमाल पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने चलाया रात्रिकालीन सफाई अभियान। भीनमाल से अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार भीनमाल नगर पालिका अध्यक्ष सावलाराम देवासी व अधिशासी अधिकारी भिकाराम जोशी के निर्देशानुसार सफाई निरीक्षक जगदीश पूनिया के नेतृत्व में जुंजाणी बस स्टैंड से नीलकंठ महादेव मंदिर तक दिन में ट्रैफिक व भीड़भाड़ होने के कारण रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाकर नाले की सफाई करवाई गई। इस मौके पर जमींदार रमेश, जेसीबी ऑपरेटर मानसिंह, सुमेरमल, रवि, बंटी, संतोष सहित कई सफाई कर्मचारी मौजूद थे।
बाबा जी मंदिर जालोर की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई। आज गुरुवार प्रातः जालोर के फोलावास में स्थित बाबा जी मंदिर की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में लाभार्थी परिवार स्वर्गीय मातुश्री आसीबाई, धर्मचंद, सुरेश कुमार, धर्मचंद गांधी परिवार द्वारा विधि विधान से पूजा एवं ध्वजारोहण किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों द्वारा गांधी परिवार का अनुमोदन भी किया गया। इस अवसर पर भक्ति कार्यक्रम हुआ जिसमें पूजा और उमेश शर्मा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं मंच संचालन पारस भाटी अंजाना ने किया। थलवाड़ सायला में ठाकुर जी मंदिर का वार्षिकोत्सव। सायला के निकट थलवाड़ कस्बे के राजपुरोहित मंदिर का वार्षिकोत्सव कल बुधवार को हुआ। संवाददाता पूरा राम के अनुसार गाजे बाजे के साथ लाभार्थी परिवार सहित महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई। मंदिर जो आकर्षक रोशनी एवं फूल मालाओं से सजाया गया। भक्तजनों का प्रातःकाल से ही मंदिर आना शुरू हो गया था एवं दर्शन कर ठाकुर जी से मन्नत मांगी। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की समाचार खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।